स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस किसे कहते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। Each branch of science has a relationship with all other branches. This is called interdisciplinary sciences. कह रहा है साइंस की हर ब्रांच दूसरी तमाम ब्रांचों से ताल्लुक रखती है, इसे हम कहते हैं interdisciplinary sciences। यानी कि बच्चों साइंस की हर ब्रांच, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जोग्राफिया है, जो भी ब्रांच है, ये तमाम की तमाम ब्रांचेस आपस में रिलेट करती हैं, इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, तो इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। आज हमने पढ़ना है बायोफिजिक्स के बारे में। बायोफिजिक्स किसे कहते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना। वो कह रहा है कि बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के उन कवानीन के बारे में पढ़ते हैं जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है, यानी कि वो फिजिक्स के कवानीन जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहिर पे होता है उन्हें हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में। तो इसके एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। कह रहा मिसाल के तौर पर फिजिक्स में लिवर के काम करने का असूल और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों का काम करने का असूल दोनों एक जैसे हैं, यानी कि फिजिक्स में लिवर के काम करने का असूल और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों का काम करने का असूल दोनों सेम है, इस वजह से इसे हम पढ़ेंगे बायोफिजिक्स में। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस से क्या मुराद है, तो इसमें आपने सिंपल डेफिनेशन करनी है इसकी कि साइंस की हर ब्रांच दूसरी तमाम ब्रांचों से ताल्लुक रखती है, इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोफिजिक्स। आपने इसमें बायोफिजिक्स की तारीफ करनी है कि ये फिजिक्स के उन कवानीन का मुतालिया है जो जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है, और इसमें आपने एग्जांपल भी पढ़ी है कि मिसाल के तौर पर फिजिक्स में लिवर के काम करने का असूल और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों का काम करने का असूल दोनों एक जैसे हैं, इस वजह से इसे आप पढ़ते हो बायोफिजिक्स में। स्टूडेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, मैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसिस की डेफिनेशन को हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसिस की, और नीचे से आपने ये बायोफिजिक्स वाला टॉपिक सारा कंप्लीट करना है। तो यहाँ बायोफिजिक्स की पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।